पलवल में हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। किसी के बहकावे में आकर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भ्रामक खबर चलाना मीडिया जगत का अपमान ही नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर किसी भी राष्ट्र की जनता के भरोसे के साथ धोखाधड़ी है। गौरतलब है कि एक सोशल मीडिया चैनल ने पूर्व मंत्री हर्ष कुमार के बारे में भाजपा में जाने की झूठी खबर प्रसारित की थी, जिसका खंडन करते हुए हर्ष कुमार ने कहा कि वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, भाजपा में जाने की केवल भ्रामक अफवाहें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इलेक्शन का तो माहौल है, हमारा आपसे सबसे निवेदन ये है कि किसी की भी चाहे कोई भी है किसी के बारे में कोई भी झूठी अफवाहें आपके माध्यम से ना फैलाई जाए, मीडिया के माध्यम से। आप लोगों के नेशनल चैनल भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और अखबार भी हैं, क्यों? किसी के लिए तो अफवाह नुकसान कर देती है, परेशानी बढ़ा देती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। तो ये जो जनता को गुमराह करने की जो आजकल चल रही है ना, लोगों में बहुत से ऐसे आचरण के लोग हैं जिन्हें स्वाद आता है कि लोग जनता को गुमराह करें, गुमराह करना भी एक अपराध है। और आप लोगों से तो जनता बहुत उम्मीद करती है कि भाई आप सच्चाई जनता के सामने लाएं, इसलिए आपसे सभी से मेरा अनुरोध है। अब एक भाई ने कल मेरे बारे में ही फैला दिया कि साहब मुझे नहीं पता कौन सा है, कौन है, वो चला दिया, लोग रात भर परेशान रहे जी क्या हो रहा है जी, मैं इनकी भैया कुछ नहीं हो रहा, किसी ने चला दिया झूठी, इसका मुझ पर क्या इलाज है? हाँ साहब, वो भाजपा की तरफ मैं उनका, तो इस तरह की अफवाहें मेरे से ही नहीं, किसी भी जो इलेक्शन लड़ता है सबका अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है, कहीं जाने का सबका अधिकार है, वोट मांगने का, किसी के बारे में भी। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी की भी मदद करें, किसी की मदद करें, किसी की आप मुखालफत करें, ये आपका भी अधिकार है, लेकिन वो मुखालफत और किसी का सपोर्ट आप जो करते हो, मदद करते हो, दायरे में रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को भी कोई झूठा और जलील ना कहे, ये मेरी आपसे निवेदन है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। किस तरह से खंडन करते हैं आप इन अफवाहों का जो अफवाह उड़ी है? देखिए, एक तरफ आप लोग भी मेरी बात का दूसरी तरफ मत ले जाना, या आप मानते हो देश की राजनीति आज लोग अच्छी नहीं मानते, आज जनता ने देश की राजनीति का आधार झूठ मान लिया है, हर पार्टी हो नेता हो ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को बहकाते हैं, ये जनता के दिमाग में है, हम में से छांट के जनता बोल देती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, ये कोई देश के फायदे की चीज नहीं है। जो अफवाहें फैलाना कोई देश के हित में नहीं है, अफवाहें हैं, कभी कभी ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है कि उसका समाज को और देश को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। आप लोगों के संपर्क है मेरे से, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फलाने आदमी के बारे में ये आप खबर छापिए, फलाने के लिए छापिए, मैं कभी नहीं कहा, आप लोग बैठे।